दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात। आप लोग देख रहे हैं भास्करनंद जोशी ब्लॉग। तो दोस्तों सुबह का समय और बहुत सुंदर धूप निकली हुई है और हमारा बासु स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया है और अपनी साइकिल को रखने लग गया है। तो बासु, आज कुछ खास चीज आने वाला है बाबू, ये अब दिन में ही पता चलेगा। कुछ खास ऐसी चीज आने वाली है बच्चों, आज बहुत टॉप क्लास की चीज आने वाली है। अभी नहीं बताते, अभी तो सरप्राइज है, ठीक है? बर्थडे नहीं है, अब दिन में बताया जाएगा। देखोगे दिन में या शाम तक आएगा, ठीक है? सामने कद्दू की बेल है और अभी इसमें कद्दू लगे नहीं है और बेल बहुत सुंदर हो रही है, बहुत लंबी बेल। कुछ कुछ इसमें लग गए हैं फूल, अभी खाली फूल वैसे ही लगे हैं और अब लगेंगे इसमें आने वाले कुछ दिनों में लग जाएंगे कद्दू। और बहुत ही सुंदर इसकी सब्जी भी होती है और सामने देखिए आपको दिखा देंगे सर्वेश्वर धाम कितना सुंदर चमक रहा है। तो सामने बच्चों की स्कूल की जो बस है वो भी आ गई है और अब बच्चे घर से निकलेंगे स्कूल जाने के लिए। तो बच्चों हो जाओ तैयार, बस गई अभी चनोदा की ओर जाने के लिए। क्या कहा, कुछ चीज आने वाली? हाँ आने वाली है यार बाबू, अब वो शाम को बताएंगे बेटा, अभी कुछ नहीं। अभी आप लोग स्कूल जाइए, बासु दोस्त आया नहीं, आया अभी आ जाएगा। तो दोस्तों अभी काम के सिलसिले में जा रहा हूँ और दिन में आता हूँ घर में, तो उसके बाद जो सामान आने वाला है वो भी दिखाते हैं कि क्या सामान आने वाला है, अभी उसकी भी इंतजारी रहेगी। तो दोस्तों आज का जो सफर है, आज हमारे छोटे भाई विजय के साथ है, तो कुछ काम के सिलसिले में जा रहा हूँ। तो अभी विजय आते हैं, उनके भी दर्शन कराते हैं। तो एक दिन बड़े भाई के साथ था भ्रमण, तो आज छोटे भाई के साथ है। हेलो, और ये हमारे भाई आ गए हैं। आयुष्मान, खुश रहो, कल्याण हो, तैयार हो एकदम? तो क्या करें, बाइक अपनी भी ले जाऊं या किसी को ले जाते हैं? तो भाई की बाइक में जा रहे हैं, गुड। तो आज यही सफर तय कराएंगे हमें, ठीक है? अपनी बाइक बाद में मेरे को छोड़ भी जाएगा यहाँ। चलो ठीक है, आइए सर। तो यहाँ पर अभी बैठने वाला नहीं हो रहा, आगे रास्ते में कुछ गजबज है, आगे से बैठते हैं। तो आज बाइक में हम इन्हीं के बाइक में सवारी करेंगे, अभी जा रहे हैं बाइक में बैठ के। तो सफर का कुछ आनंद अलग ही है। ये देखिए अभी आने वाले समय में ये रास्ता भी चौड़ा होगा, फिर और आनंद आएगा इस रास्ते में बाइक में सफर करने में। अभी थोड़ा गजबजी है, उबड़ खाबड़ हो रखा है रास्ता ये, और भाई ने चश्मा वश्मा भी लगाई रखा है, ये भी जरूरी है, चश्मा बहुत जरूरी है। अब हमारे तो रुचि का चश्मा हुआ है, लेकिन भाई अभी ठीक है। सामने चंदेश्वर महादेव मंदिर, और देखिए कितना सुंदर यहाँ का जो लेंटर डाल दिया गया है और चंदेश्वर की जो रंग है वो निखर गया है एकदम। तो आने वाले समय में अब यहाँ भागवत जरूर होगा। तो चंदेश्वर महाराज की जय हो। और अब हम आगे को निकल गए हैं और ये देखिए अभी ये रोड भी कुछ समय में ठीक होगी, थोड़ी उबड़ खाबड़ी हो रखी है। ये यहाँ पर गेट का निर्माण भी हो गया है सामने। अभी हमने तेल डाल लिया है यहाँ पर, और ये तेल भी भरना बहुत जरूरी है क्योंकि सफर है लंबा। दीपदा ने तेल डाल दिया, मैं सोचा मैंने कि पैसा दूं लेकिन भाई ने नहीं देने दिया। तो अब भाई के लिए मेरे को कोई कन्या देखनी पड़ती है क्योंकि ये विवाह के योग्य भी हो गए हैं। कैसा सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो आज भी कोई देख के आए फिर? हाँ देख के आते हैं। चलो फिर अब हम जा रहे हैं सफर में। तो दोस्तों अगर कोई सुशील कन्या हो तो हमारे भाई के लिए भी बताइए। और ये है आरजे इलेक्ट्रॉनिक सोलेश्वर में, तहसील रोड में, और इनकी ये कोई सुशील कन्या भी मिल जाए तो इनकी हम शादी भी करा देते हैं आने वाले समय में। मंगशीर में तो अभी हम सोमेश्वर साईपुर से कुछ आगे का सफर तय कर रहे हैं। और ये है फलिया गाँव, देखिए कितना सुंदर गाँव। और सामने आजकल जहाँ भी देखो चारों ओर हरियाली हरियाली, क्योंकि धान का सीजन है धान। तो दोस्तों अभी भागवत महापुराण होने वाला है और सामने महिलाएं कलश यात्रा में जा रही हैं, बहुत सी महिलाएं। और ये जो भागवत हो रहा है मेरे हिसाब से हाड़खेत में होने वाला है। तो सामने भी बाइक में आ रहे हैं और सब ये जा रहे हैं हाड़खेत की ओर, और वहाँ ये रनमन हाड़खेत में यहाँ पर हो रहा है भागवत। और ये जो मंदिर है वो सामने है क्योंकि चहल पहल उसी ओर। तो दोस्तों अभी मनान में पहुंचे हैं और यहाँ पर लग गया है जाम, यहाँ पर रुके हुए हमें 10-1 मिनट करीब हो गया है। तो अब आगे क्या सिचुएशन है इसकी कोई जानकारी है नहीं। कट मार के निकल रहे हैं आगे को, लेकिन आगे ये ट्रक वालों ने लगा दिया है जाम, समझ में नहीं आ रहा।
क्यों लग गया जाम? तो अभी बहुत देर इंतजार करना पड़ा यहाँ पर और अब जाम खुल गया है और अब हम निकलते हैं। भाई आ रहा पीछे, अभी उसकी बाइक पीछे, मैं कुछ आगे निकला हूँ और ये आगे हमारे भाई बाइक लेके। तो सर बहुत देर इंतजार करनी पड़ी आप लोगों की, चला है? चलो सर, तो अब हम आगे का सफ़र फिर तय करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए बहुत ही सुंदर कलश यात्रा निकली हुई है, आज का दिन बहुत ही शुभ है। तो अभी जो ये कलश यात्रा है ये है आपके देव स्थल की ओर जा रही है। आनंद और बहुत से भक्त लोग आ रहे हैं। कलश यात्रा देखिए सामने गांव में हो रही है, भागवत महापुराण, और ये कोसी नदी में से जो है जल लेने आ रहे हैं और ये देवस्थल में जो है कोसी नदी है वहां से जल को एकत्र करके सभी लोग जयकारा करते हुए अपने गांव के मंदिर की ओर जाएंगे, अल्मोड़ा और अल्मोड़ा मार्केट में, और आगे की ओर जा रहे हैं। अभी हमने जाना है धारानोला की ओर और देखिए अल्मोड़ा में चहल पहल खूब बनी हुई है और देखिए अल्मोड़ा में जो भीड़ है। अभी हम पहुंच गए हैं चौहान पाटा के समीप और चौहान पाटा से आगे की ओर जा रहे हैं और सामने डिग्री कॉलेज अल्मोड़ा। तो अभी हम अल्मोड़ा से कुछ आगे जा रहे हैं और ये है मॉल रघुनाथ मॉल है और आगे आकाशवाणी। तो अभी हम पहुंच गए हैं करबला और बाईपास हुआ है और अभी हमने जाना है धारानोला की ओर और ये जो नीचे की ओर रोड जा रही ये है हल्द्वानी की ओर और हमने जाना है ये बाएं हाथ की ओर लेफ्ट साइड, ये है धारानोला वाली रोड। तो आज का सफ़र बहुत ही आनंददायक सफ़र है और देखिए कितना सुंदर व्यू है। अभी हम जा रहे हैं धारानोला की ओर, बीच में रुके थे कुछ काम था तो अभी धारानोला पहुंचने वाले हैं और वहां भी काम है, समय मिलेगा तो वहां की भी वीडियो बनेगी, नहीं तो यही आपको ऐसे ही नज़ारे दिखाएंगे हम। और सामने धारानोला देखिए थोड़ा भी जाल हो गया एक घर क्योंकि इतने ज़्यादा घर पूरे पहाड़ों में। बस अभी धारानोला में जो काम था वो हो गया है और अब हम घर को जा रहे हैं। तो आज हमारे भाई ने पूरा दिन दे दिया है मेरे को और ये हम निकले धीमे धीमे धारानोला से वापस। और सामान जो आज आने वाला था सरप्राइज वाला वो भी अभी सामान को मैं लेता हूँ और उसको घर जाके ही दिखाएंगे कि क्या है वो खास। तो जो राउंड है ये यही हो रहे हैं कि कुछ कुछ सरप्राइज वाली चीज़ें लेने के लिए ही दौड़ लग रही है आजकल। अभी बहुत से सरप्राइज वाली चीज़ें आने वाली हैं उनको भी दिखाई जाएंगी। कैसा भैया? जरूर दिखाई जाएंगी। तो दोस्तों दिन का समय है और अल्मोड़ा में चहल पहल बनी ही रहती है, जो जब देखो आप अल्मोड़ा में भीड़ भाड़ बनी रहेगी और यहाँ पर फ्रूट्स भी हैं सामने, तो कोई फ्रूट्स लेना चाहिए वो भी ले सकते हैं। तो अब हम फिर पहुँच गए हैं चौहान पाटा में। सामने स्कूल के बच्चों की होने लगी है छुट्टी और सभी बच्चे अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं जागनाथ वाली रूट में और इसमें जो गाड़ी जाएगी फर्स्ट गियर में ही जाती जाएगी। तो दोस्तों अभी हमारा जो सामान था वो आ गया है, तो ये है सरप्राइज है, अभी घर जाके ही खुलेगा, उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें है क्या। बहुत बड़ा गिफ्ट है, बहुत बड़ा गिफ्ट है, भारी है। तो अभी पहुंच गए हैं सोमेश्वर बाजार में और अभी छोटा भाई गया है कुछ सामान लेने के लिए, उसके बाद हम घर को जाएंगे। तो आज पूरा दिन दोस्तों पहुंच गए हैं घर, तो आज पूरा दिन रहा भाई हमारे साथ, ये देखो। तो अब भाई की शादी भी हो जाए तो आनंद आ जाएगा एकदम, तो लड़की ढूंढी जाएगी, जरूर ढूंढी जाएगी, क्यों लौटे? हाँ भाई की शादी करनी है, भाई की शादी। आ गया अल्मोड़ा होके, ये देखो क्या है, ये लाए हैं कुछ खास है, इसकी अनबॉक्सिंग करो फिर देखते हैं क्या है इसके अंदर। ले पकड़ दो, कौन पकड़ेगा? तो निधि ने पकड़ जाएगी, निधि करने लगी है अनबॉक्सिंग। और दीदी आप करो, आजा आजा नेहा दी, तो नेहा दीदी करेंगी हम अनबॉक्सिंग इसकी। चलो चलो सब जने खोलो, फिर लग जाओ, देखते हैं क्या निकलता है इसके अंदर से। तो फटी नहीं रहा हो खुशी, आप नहीं देख रहे इसे, अभी सो के उठ रही है, पल के आ रही, सो के उठ रही है, अनबॉक्सिंग होगी, क्या निकला
दिखा दो क्या है ऊपर, क्या मिला है? चुटपुटी बेटा, क्या है इसके अंदर? है क्या है, क्या है? अरे इसमें तो एक से एक, ये तो स्टील के ही दिख रहे हैं। अरे ये तो क्या है? अरे गुड, ये तो एक से एक चीज निकलने हैं। ये भी है, निकाल दो। गुड 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 गुड। अरे ये तो कुकर निकल गए। दिखाओ दिखाओ, एक और है, निकालो तो। कितने हैं? है अभी लगा, लगाओ फिर आप जो भी लगाओगे। अच्छे है ना बेटा ये जो कुकर है उसके हैं इंडक्शन के। आके देखा तो हमने बॉक्स खोला और उसके अंदर निकल गए कुकर, और कुकर है आपके प्रेस्टीज के, तो ये मंगवाए थे। और अब इनमें खीर ही बनाई जाएगी और उसके बाद ये चालू किए जाएंगे। तो आज बहुत थक भी गए हैं, आज दिन का सफर पूरा सुबह से शाम के 4:30 बज गए हैं घर आने तक। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।